आज हम लोग क्लास 11वां की और विनी की क्लास में एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाडोकाल। उम्मीद है जो कि नामकरण है समावयवता, तुमको जो कि मैकेनिज्म वगैरह है वो सबका तुम अध्ययन कर लिया होगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन जो तुम्हारा होता है, हाइड्रोकार्बन के नाम से ही पता है वैसे यौगिक जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है, उस तरह के यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन पहले परिभाषा लिख लेते हैं, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व, कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व उपस्थित रहता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जैसे कि तुमको एल्कीन में पढ़ा होगा, जैसे मीथेन, इथेन या इथीन, इथाइन, ये सब क्या हो गया हाइड्रोकार्बन, साइक्लोमीथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन, ये सब क्या है हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण हम लोग करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन को इसे वर्गीकरण कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें जैसे कि टेबल टाइप का बना होता है, तो हाइड्रोकार्बन का जैसे वर्गीकरण करते हैं, हाइड्रोकार्बन इसको वर्गीकृत करेंगे तो दो पार्ट में करते हैं, एक तो खुला चेन वाला पहले और एक चक्रीय जो कि बंद में होगा। एक हो गया जिसको एलिफैटिक कहते हैं, खुला चेन वाला को क्या कहते हैं हम लोग, एलिफैटिक इंग्लिश में लिख सकते हैं ALIPHATIC एलिफैटिक हो गया। दूसरा हो गया साइक्लिक, दैट इज साइक्लिक मतलब चक्रीय, चक्रीय मतलब बंद से यौगिक होगा ये साइक्लिक, बंद हाइड्रोकार्बन होगा जो कार्बन हाइड्रोजन होगा दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो जो एलिफैटिक है तुमको, एलिफैटिक जो कि खुली श्रृंखला वाली होगी जिसमें कि छोड़ होगा, दोनों साइड छोड़ होगा जो खुला हुआ होगा उसे क्या कहेंगे हम, एलिफैटिक। एलिफैटिक को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एलिफैटिक में क्या क्या आएगा तुमको, एल्कीन आएगा ALKANE एल्कीन हो गया। दूसरा हो जाएगा तुमको एल्कीन, ALKENE एल्कीन हो गया। तीसरा हो गया तुमको ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया, सिंगल बॉन्ड के कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा, ये डबल बॉन्ड जब रहेगा और इसमें रहेगा एल्काइन, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एल्काइन, ये क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये हो गया तुमको ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और इसमें क्या रहेगा तुमको डबल बॉन्ड का, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो समझ में आधा हो गया, इसलिए जानता होगा। तो ये तुम्हारा हो गया एल्काइन, तो ये तुम्हारा हो गया ये खुला श्रृंखला का दो छोर होता है। और ये चक्रीय योग, चक्रीय योग का मतलब बंद होगा, जैसे कि तुमको बेंजीन में देखा होगा या तुमको साइक्लो एल्केन इसमें देखता होगा जिसमें बंद होगा। तो इसको तुमको दो पार्ट में बांट सकते हो, एक हो गया तुमको एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक। इसमें हो गया एलिसाइक्लिक और यह तुमको एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में तुमको बेंजीन का व्युत्पन्न होता है एरोमेटिक, इसका विशेष गंध होता है इसका, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे अगले भाग में। इसमें तुमको होता है दो पार्ट में इसको, एक तो बेंजीन का जो व्युत्पन्न है बेंजेनवाइड इसको कहते हैं, एक नॉन बेंजेनवाइड, बेंजेनवाइड ये हो गया नॉन बेंजेनवाइड
तो ये होते नॉन बेंजोनाइट, जो बेंजीन का व्युत्पन्न होगा वो बेंजोनाइट, जो नॉन बेंजोनाइट में कुछ बेंजीन का व्युत्पन्न नहीं होगा। तो हम लोग जैसे कि इस अध्याय में पहले एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के बारे में, उन बेंजीन से जुड़े हुए यौगिक के बारे में हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि दूसरा एक वर्गीकरण का तरीका होता है इसको में कि हम लोग कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि ये तुमको समझ में आ गया होगा जो फ्लास्क का अभी से इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी धीरे धीरे बनाएंगे, पहले से भी नामकरण भी पढ़ा ही होगा, तभी स्ट्रक्चर तो खैर उदाहरण नहीं दिए सबका, उदाहरण अपने आप समझ में आ रहा होगा। सक्रिय यौगिक चक्रिय यौगिक का भी सबका भी नामकरण बताया ही थे, तो अभी नामकरण जैसे कि चक्रिय का एक आध उदाहरण भी दे देते हैं तुमको, चक्रिय यौगिक जैसे कौन हुआ उदाहरण भी, जिसमें कि खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला जो एलिफेटिक और एरोमेटिक जैसे है उसे कौन सा हुआ जैसे बना दे देखो, तो कुछ उदाहरण भी इसमें दे देते हैं तुमको एलिफेटिक और एरोमेटिक का। जैसे कि है एलिफेटिक हो गया जिसमें कि खुली श्रृंखला होगी, खुली श्रृंखला का मतलब हो गया कि दोनों तरफ कार्बन का चेन रहेगा, दोनों तरफ खुला रहेगा, दैट इज हो गया एलिफेटिक। तो जैसे कि तुम्हारा है ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन हो गया तुमको सीएस, जैसे ये तुमको कार्बन का श्रृंखला हुआ देखो, ये जैसे है ये खुला श्रृंखला है, ये चारों श्रृंखला ये तुमको एलिफेटिक हो गया, और यही जबकि तुमको है जैसे देखो ऐसे करके इसको बंद कर दो, यहां से लेकर इसको ऐसे करके इसको बंद कर दो, ये क्या हो जाएगा बंद श्रृंखला हो गया, ये चक्रीय यौगिक हो गया, और ये क्या हो गया एलिफेटिक का उदाहरण हो गया। इसमें हाइड्रोजन तुम अपना चार चार बॉन्ड होता है उसके अकॉर्डिंग क्या बढ़ सकता है हाइड्रोकार्बन बनाना, एच से भर रहे कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा बनेगा तो ये जो बनेगा क्या चीज होगा तुम्हारा एलिफेटिक में बनेगा, और इस तरह का अगर चेन होगा तो ये क्या होगा चक्रीय हो गया, ये किसका होगा तुमको ये चक्रीय यौगिक का उदाहरण होगा चक्रीय, और ये हो गया तुमको एलिफेटिक बनेगा इसका एलिफेटिक, मतलब खुली श्रृंखला वाले, इसमें ओपन चेन है ये क्लोज चेन बंद है, इसमें खुली श्रृंखला श्रृंखला खुला हुआ है जिसमें कि, और ये हो गया तुमको बंद श्रृंखला इसमें कार्बन का बंद श्रृंखला, तो ये तुम्हारा हो गया। और तुमको जो चक्रीय यौगिक में ही एक बेंजीन होता है, बेंजीन में तुमको जैसे कहता है बेंजीन का एक स्पेशल टाइप का बनावट होता है जानता होगा, जिसमें कि हर जगह पे ये बेंजीन हो गया और इसमें डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल फिर डबल हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर एगो क्या होता है डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। ये फेमस कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक नाम है, ये मैंने साइक्लिक का ही एक पार्ट है जिसका नाम है एरोमेटिक, एरोमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका नाम है बेंजीन। तो बाकी इसका नामकरण वगैरह में देखा भी होगा तो इसके बारे में आप ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरा एक बता रहे थे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन का जो कि हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो उसमें वर्गीकरण में हम लोग ले सकते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ जिसमें कि तुमको कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसमें कि तुमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग असंतृप्त में रखते हैं। ये भी एक वर्गीकरण है, वर्गीकरण हो गया तुम्हारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख लेते परिभाषा, और उसके बाद संतृप्त फिर असंतृप्त, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड, संतृप्त का इंग्लिश होता है सैचुरेटेड, SATURATED सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन की होगी, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन डैश कार्बन सी सिंगल बॉन्ड सी के मध्य एकल बंधन होता है,
एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एल्कीन कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। जो कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, क्या कहेंगे हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त जैसे एक उदाहरण के रूप में एल्केन हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, एल्केन नहीं कह सकता, क्या कहेगा इसको, संतृप्त। जैसे उदाहरण में एल्केन लिखेंगे, इसका उदाहरण जैसे हो गया एल्कीन, एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, ये सब क्या हो गया एल्कीन, जैसे कि हो गया एल्कीन कॉमा साइक्लो एल्कीन, एल्कीन कॉमा साइक्लो एल्कीन, इससे यहां जगह नहीं कर लीजिए, एल्केन हो गया उदाहरण और एक हो गया साइक्लो एल्कीन, ये सब किसका उदाहरण हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इत्यादि। जैसे कि देखो तुम्हारा उदाहरण हो गया, तुम्हारा जैसे कि उदाहरण यही, जैसे कि तुम्हारा हो गया जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड यहाँ दे दे जाओ, जैसे कि ये चार कार्बन का ये, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लगेगा, इसमें दो हाइड्रोजन लगेंगे चार बॉन्ड बनाने के लिए, इसमें दो लगेगा और इसमें क्या लगेगा, तीन लगेगा। तो ये तुम्हारा लगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ये तुमको जो है खुला एफेटिक भी है और साथ ही साथ इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, शब्द सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो तुम्हारा सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आया और साथ साथ क्या गया तुम्हारा ये खुली श्रृंखला वाला है तो एफेटिक भी दिया है, ये हो गया तुम्हारा। दूसरा हो सकता है कि संतृप्त में बंद श्रृंखला में भी, जैसे कि अभी बना रहे थे सी एच टू, फिर यहां पर सी एच टू, फिर यहां पर सी एच टू, फिर इधर तुम्हारा क्या हो गया सी एच टू, ये क्या हो तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम होता है साइक्लो ब्यूटेन, और ये था तुमको ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा ये दोनों में देखो श्रृंखला क्या है तुम्हारा, ये किसका उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये इसका नाम है ब्यूटेन और इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये तुम्हारा क्या होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है, ये तुमको चक्रीय भी हो सकता है और अचक्रीय भी श्रृंखला एफेटिक भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक दूसरा होता है जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें मतलब कि सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, सिग्मा बंधन, और सिग्मा के साथ साथ उसमें अगर पाई बंधन भी हो, पाई बंधन मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसा यौगिक जिसमें कि क्या हो सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड भी होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो वैसे यौगिक हम लोग का क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त असंतृप्त मतलब हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य डबल मतलब द्वि आबंध, इसको डबल बॉन्ड कहेंगे, या त्रि आबंध उपस्थित रहता है, या त्रि आबंध ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा क्रियाशील भी होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है तो इसमें तुमको इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका उदाहरण जैसे लिख सकते हैं एल्कीन,
इसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिफैटिक में एल्कीन, एल्काइन भी हो गया तुम्हारा, एल्काइन और एरोमेटिक भी इसमें आता है, एरोमेटिक साइक्लिक में एरोमेटिक इत्यादि। ये तुम्हारा जैसे उदाहरण देंगे तुमको एक आध जैसे कि दे दें, तो जैसे सी यहां पर दे दो, एक पहले में डबल बॉन्ड दे दो, कहीं भी डबल बॉन्ड दे दो, चलो तीन कार्बन दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें तीन का हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा तुमको, यहाँ पर दो हाइड्रोजन देना होगा हमको, चार बॉन्ड पूरा जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, तो ये तुम्हारा हो गया। इसको क्या कहते हैं लोग, प्रोपीन कहते हैं, ई एन ई इसमें लगता, तो ये किसका उदाहरण हो गया, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तुम्हारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो गया, जिसको क्या कहते लोग प्रोपीन। और जैसे कि तुम्हारा हो गया इसके बाद, जैसे कि तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में भी बना सकते हो, दो कार्बन का भी बना सकते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एक एक एच दे दीजिए, तो इसका नाम हो गया एल्काइन, में जैसे इथाइन हो गया, इसका नाम हो गया इथाइन, ETHYN, ये भी हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में भी हो गया, ये भी असंतृप्त का उदाहरण हुआ। और बेंजीन में भी तुम अभी जो बनाया था, बेंजीन में जो कि कार्बन का देते हैं हर, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दें तो हर जगह पे क्या देना पड़ता है, छह कार्बन होता है इसमें, हर कोना एक कार्बन हुआ और अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें देना था, डबल फिर सिंगल फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर यहाँ पर डबल, ये किसका उदाहरण है, ये सब भी, ये बेंजीन है तुम्हारा, ये सब भी इसमें आया, ये असंतृप्त में भी आया, चक्रीय भी है असंतृप्त भी हुआ, और ये एलिफेटिक भी है और असंतृप्त भी है। तो ये तुमको ये जो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, प्रकार हो गया, तो हाइड्रोकार्बन का इसके अलावा तुमको जहां तक था, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में पढ़ेंगे पहले डिटेल में, हाइड्रोकार्बन का ये वर्गीकरण हो गया तुम्हारा, वर्गीकरण समझ में आ गया होगा, और उसके में पढ़ेंगे अब हम लोग पहले एल्केन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एल्केन के बाद फिर जो है एल्केन का जब उसमें उसको कैसे उसका नामकरण क्या है, उसका सवाल होता है नामकरण वगैरह वाले तो बारे पहले से पढ़ाई हुई है, और उसका विरचन कैसे करते हैं, उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण इन सबों का हम लोग उसमें जो समयावयवता होता है, जो कि एक अलग तरह का समयावयवता होता है जिसको हम लोग कन्फर्मेशन कहते हैं, तो इन सबों की चर्चा अब आगे किया जाएगा, जिसको आपकी एल्केन की पहले डिटेल में पढ़ाई होगी, फिर आगे जब एल्केन का समाप्त हो जाएगा फिर, तो फिर एल्कीन होगा, एल्कीन के बाद फिर एल्काइन और तब फिर बेंजीन के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ाई होगी, काफी डिटेल में, बड़ा चैप्टर है ये भी, तो हम लोग इसमें से अभी एल्केन का कुछ पार्ट आज पढ़ लेते हैं, फिर कुछ और पार्ट आगे आने वाले लेक्चर से पढ़ाई होगी, तो एल्केन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है तुमको जो एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, अब हेडिंग हो गया तुम्हारा एल्कीन, अभी वर्गीकरण हो गया, अब एल्कीन का आरंभ करते हैं। तो एल्कीन जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है एल्कीन को, एल्कीन में एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, सामान्य सूत्र एल्कीन का, सामान्य सूत्र CnH2n+2, मतलब n का मान यहां एक से लेकर के, n का मान जैसे एक रख देंगे, एक रख देंगे कितना होगा C1H, कितना होगा दो गुना एक जो दो CH4, दूसरा जब n का मान दो रख देंगे तो C2H6 हो जाएगा, तीन रख देंगे तो C3H8 हो जाएगा, इस तरह से क्या होता चल जाएगा इसका, सब अलग अलग नाम लिखते जाएंगे इसका, तो ये कार्य सामान्य सूत्र होगा। इसको हम लोग एक जो है एल्केन को हम लोग पैराफिन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका मोम जैसा एल्कीन जो होता है तुमको मोम जैसा होता है, इसलिए इसको इसका नाम था पैराफिन, इसका जैसे एल्कीन को एल्कीन मोम जैसा होता है इसलिए इसे पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन भी कहा जाता है, तो ये पैराफिन भी इसको कही है, और इसका सामान्य सूत्र होगा, जैसे कि सामान्य सूत्र में जहां तक बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि पहला का क्या नाम था CH4 हुआ, इसका नाम तो पहले से पढ़ा ही होगा, इसका नाम क्या था मीथेन, इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे फर्स्ट कार्बन का जैसे एक करते थे मीथेन, उसका दूसरा होता है जैसे C2H6, इसका नाम होगा एथेन, इसके बाद प्रोपीन C3H8 का क्या हो जाएगा C3H8, ये भी हो गया प्रोपेन होता है,
और इसी ढंग से याद होगा चार कार्बन के लिए C4H10, इसमें ब्यूटेन बनेगा। इस तरह से समागमता में तुमको समागमी जब लिखेंगे इसका तो क्या बन जाएगा तुमको, श्रृंखला समागमी इसमें बनता है, दो तरह का बन जाता है, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन दोनों बनता है इसका। फिर C5H12 है, तो इस तरह से क्या जाएगा तुमको, C5H12 नाम याद होगा उसका, पेंटेन होता है C5H12, फिर से लिख देते से ये हो गया तुमको पेंटेन, इसको कहते हैं इसको पेंटेन। C6H14 उसका जो छयोग अगर लगातार लेंगे तो हेक्सेन, हेक्सेन। C7H16 हो गया इसका, हेक्सेन के बाद हेप्टेन, दस तक लिख दे रहे हैं। C8 और H18 है ऑक्टेन, इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्टेन। C9H20 नोनेम, अगर स्टेट चेंज में लिखते रहे कोई सब नाम होता जाएगा, नो नेम, नौ कार्बन का। दस कार्बन का तुमको लिखते हैं डेकेन, मैं दुगना करके दो बढ़ा देना है डेकेन। ये तुम्हारा हो गया, इसका नाम हो गया, तो नाम याद कर हो गया होगा, पहले से याद होगा इधर, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेम डेकेन, तुम्हारा ये सब क्या होगा। उसके बाद 11 के अनडेकेन दो डेकेन, इस ढंग से क्या होता है इसका नाम आगे बढ़ते जाएगा, अनडेकेन दो डेकेन, मतलब ये सब तुम्हारा हो गया जो कि 11 12, ये सबके नाम आगे बढ़ेगा। तो इसका जैसे कि है तुमको हाइड्रोकार्बन का इसका समावयवता और नामकरण, नामकरण तो पहले से परिचित ये है, नामकरण जैसे अभी कुछ उदाहरण है दिया हुआ इच्छा के रूप में, उसी से नामकरण का, नामकरण का जैसे नामकरण में पहले क्या लिखते हैं एल्केन, अगर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो पहले तो पूर्व लग्न में जो भी होगा प्रीफिक्स को लिखा जाता है नामकरण में, आईपीसी नामकरण में, और उसके बाद उसका क्या लिखा जाता है नामकरण में जब लिखेंगे तो नामकरण में क्या लिखा जाता है, ANE लगाएगा कार्बन का, जैसे कि तुम्हारा रूट नेम हो गया, इसका नामकरण लिखे जैसे, तो नामकरण में इसमें क्या पैटर्न होता है इसका, तो नामकरण में इसका जो कि है बाद में लगाता है एल्केन का नामकरण में, अगर इसको रिवाइज करें नामकरण, तो जाहिर है कि एल्केन पर है तो एल्केन का ही नामकरण होगा, उसी के विरचन होंगे, कैसे बनाते हैं उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। तो नामकरण जैसे रहेगा इसमें नामकरण एल्केन का अगर करेंगे तो पहले तो कुछ पूर्व लग्न होगा, इसको प्रीफिक्स करते हैं पूर्व लग्न, जैसे मेथिल एथिल ये सब के बारे में जानता होगा, एक कार्बन जब भी हट जाता है तो मेथिल एथिल ये सब रहेगा पूर्व लग्न। अब प्लस क्या होगा तुमको, मूल नाम, मूल नाम होगा, जैसे मिथ इथिल सब प्लस क्या हो गया ANE जोड़ देंगे, एन ANE जोड़ देंगे, इस तरह से क्या हो गया। और इधर पूर्व लग्न में जैसे आएगा उसका जगह भी लिखते हैं हम लोग, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में देखो, तो CH3 जैसे कि, और यहां पर अगर दे दें CH, इधर के ब्रांच में CH3 दे दें और इधर की तरफ CH3 दे दें, इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग। तो पहले तो कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो देख लेते हैं हम लोग, और जिस छोर से ये दो को जो लोकेट है जो कि ये तुम वो है किस छोर से नजदीक, इसमें दोनों छोर से बराबर पड़ेगा, बहुत सिंपल है ये, एक दो और ये तीन हो गया, ठीक है। इसमें जो है इसका स्थान भी लिखते हैं, एक कार्बन एक मैंने एक कार्बन को मिथेन करते हैं और उससे में एक हाइड्रोजन हट गया CH3 में, तो CH4 होता है तो CH3 है, जिसको मिथेन नहीं करके उसको मेथिल कहा जाता है, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो टू नंबर पे इसका पूर्व लग्न हो गया, इसको ई रूट नेम, इसका तीन कार्बन का क्या होता है प्रो, ANE लगा देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, तीन कार्बन है लगातार, लेकिन पूर्व लग्न के रूप में यहां पर क्या आ जाएगा दो नंबर पर मेथिल आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, तो ये देखो पूर्व लग्न इसमें हो गया टू मेथिल और उसके बाद क्या लिखेंगे एक ही साथ लिखेंगे प्रोपेन हो गया एन लग गया, मतलब इंग्लिश में लिखें तो TH2NE स्पेलिंग हो गया, और सटा करके नहीं लिखना, इसमें गैप नहीं होगा, प्रो और लास्ट में क्या जोड़ेंगे तीन कार्बन के प्रो, चार कार्बन था ब्यू, पांच कार्बन था पेन, और ANE जोड़ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, डबल बॉन्ड रहता है तो जब बाद में पढ़ेगा जो कि ENE जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में YNE, तो ये पढ़ा होगा, तो ये तुमको इसका नाम लिखने का तरीका होता है। और इसमें जहां तक कि तुमको नाम लिखना समावयवता में जाएगा, श्रृंखला समावयवी इसका बनेगा, एल्केन में श्रृंखला समावयवी पाए जाते हैं, एल्केन में श्रृंखला समावयवता पाई जाती है, एल्केन में श्रृंखला श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरी चेन समावयवता
पाए जाते हैं। तो इसमें चीन आइसोमेरिज पाया जाएगा। तो चीन आइसोमेरिज जैसे कि हो गया, तुमको कार्बन सीधा चेन में रहेगा या फिर उसमें ब्रांच में भी डाल दीजिएगा, तो ये तुमको जिसका जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और उसे मतलब कि उसका भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाता है, उसे हम लोग समावयवी कहते हैं। तो अब कुछ उदाहरण से इसका देखते हैं हम लोग, जैसे इंसेक्टी बुक का जो उदाहरण देखेंगे इस अध्याय में, जो पहला उदाहरण है तुमको उसमें दिया हुआ है कि C5H12 अगर इस अनुसूत्र से कितने समावयवी बने, और उसी में नाम भी उसका लिखना है तो नाम भी लिखते चले जाएंगे, नामकरण का भी हो जाएगा और समावयवता का भी। तो पांच उदाहरण दिए हुए, धीरे धीरे हम लोग बारी 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 से इसको कर लेते हैं, ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा। पहले से भी पढ़ा हुआ होगा तुम्हारा नामकरण, उसका रिवाइज भी हो जाएगा और इसको सीख भी जाओगे जहां भी दिक्कत है। तो तुम्हारा है अभी जो टॉपिक बोल रहे थे क्या है तुम्हारा, पहले उदाहरण है, पहला उदाहरण वन है इस अध्याय में, पहला उदाहरण है उसको हम लोग पहले शामिल करते हैं। तो एक नंबर उदाहरण लेते हैं इसमें, एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी बुक से एक नंबर, उसमें है तुमको C5H12 से कितने यौगिक बनेंगे, उसके समावयवी लिखिए और उसका नाम भी लिख दीजिए। तो C5H12 में क्या है, पहला लिखना है तो पांच कार्बन लगातार आप लिख दीजिए, तीन, ये चार और ये पांच, और इसमें क्या करते हैं हाइड्रोजन भर दीजिए, तो आपका 12 हाइड्रोजन हो गया, पांच का आ गया, अब इसमें हाइड्रोजन भरिए, जैसे कि यहां पर क्या हो गया तुम्हारा C3 हाइड्रोजन भराएगा CH3, इसमें क्या हाइड्रोजन लगेगा, इसमें देखो जैसे कि यहां पर था CH3 तो इसमें जैसे तुम्हारा तीन हाइड्रोजन तीनों तरफ चलेगा, चार बाउंड हो गया, इसमें दो तरफ बाउंड बना हुआ है एक इधर इधर, तो इसमें क्या लगेगा, दो हाइड्रोजन लगेगा, एक ऊपर एक नीचे दे दीजिए, फैला दीजिए इसको। उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन इसमें भी लगेगा, चलिए इसमें कितना लगेगा, इसमें भी दो लगेगा, और लास्ट में कितना लग जाएगा तुमको, ये तुम्हारा लास्ट हो गया दैट इज तीन लग जाएगा, तीन मतलब से। तो कुल कितना हो गया तुमको, कुल हाइड्रोजन तुम्हारा C5H12, पांच कार्बन और क्या हो गया तुम्हारा 12 हाइड्रोजन हो गया होगा, ये तुम्हारा हो गया, इसका नाम क्या, पांचों लगातार है, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे पेंटेन, इंग्लिश में हो गया PENTANE, हो गया। अगर दूसरा इसमें पांच कार्बन में, एक ऐसा हो सकता है कि पांच कार्बन में चार कार्बन को ही आप लगातार रिंग में इसको रखिए, एक दो तीन चार, चार को लगातार रखा, और एक तुमको यहां से पहला नंबर ब्रांच नहीं होता, दो स्टेट चेन में आ जाता है, तो यहां से आप ब्रांच कर सकते हैं, और ये यहां से ब्रांच करेंगे इस पर भी, तो ये देखो इस छोर से मिमिंग हो जाएगा, दोनों एक ही रहेगा, तो चार कार्बन में एक ही ब्रांचिंग संभव है। अब यहां तक हाइड्रोजन भर दें यहां पर, तो कितने हाइड्रोजन यहां हो जाएंगे, यहां तीन हाइड्रोजन लगेंगे, और यहां पर तीन ब्रांच हो चुका है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगेगा तुम्हारा, और यहां पर इसमें तीन लगेगा, फिर यहां पर तुमको दो हाइड्रोजन लगेगा, इसमें दो हाइड्रोजन लगेगा, एक ऊपर एक नीचे, और यहां पर कितना लगेगा तुमको, तीन हाइड्रोजन लगेगा CH3। तो और इसका जहां तक नाम लिखते हैं हम लोग, इसको कॉमन नेम है आइसोपेंटेन भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहता है, आइसोपेंटेन, ये कॉमन नेम हुआ आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये हम लोग आईपीएसी नेम में है, आईपीएसी नेम में जब लिखेंगे इसको, तो आईपीएसी नेम में जब इसमें लिखेंगे तो क्या कार्बन होगा तुमको, चार दो कार्बन लगातार है, और दो नंबर कार्बन पे क्या देख रहे हैं लोग, मिथिल ग्रुप है, तो पहले तो नंबरिंग कर लोगे, चारों कार्बन का क्या कर लोगे, आप किस छोर से नंबरिंग करेंगे, जिस छोर से कम पड़ेगा CH3 क्या पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा, इस दहाड़ी के लेफ्ट साइड से क्या पड़ेगा हमको, नजदीक पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन हो गया, और दो नंबर पे क्या है तुमको, पहले पूर्व लग लग जाएगा, इसका क्या जाएगा नाम, 2-methyl, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl, और चार कार्बन की क्या लिखते हैं साथ में, ब्यूटेन, ये हो गया तुम्हारा 2-methyl METHYL, मेथिल और BUTANE, ये आईपीएसी नेम हो गया, ये तुम्हारा दूसरा बना। अब तीसरा जो बनेगा उसमें क्या करना होगा, अब चार कार्बन तो नहीं बन सकता, चार कार्बन चूंकि अगर उधर जो कि जिसको इधर लेफ्ट से तीसरा होगा राइट से उसका नेमिंग हो जाएगा, दैट इज वो ही रह जाएगा, तो उसके लिए अलग से नहीं बन पाएगा। तो अगला है तुमको, अब है एक तीन कार्बन आप लीजिए ब्रांच में, यहां पर लगातार ऐसे ब्रांचिंग तो सिर्फ हो सकता है बीच वाला से, नहीं स्ट्रेट चेन में जाता है, यहां भी नीचे लिख देने से कोई एक दो तीन चार ऐसे लिख देगा, तो इसको क्या करना होगा, यहां पर ही ब्रांच दे सकते हैं, एक ब्रांच दो ब्रांच देना है तो एक ऊपर दे दीजिए एक नीचे दे दीजिए, ये क्या होगा तुम्हारा, ये
चार कार्बन पांच कार्बन से यहां भी CH3 दीजिए, सब तरफ से क्या हो गया तुम्हारा, सब तरफ से CH3 हो गया, ये चारों तरफ से, चारों तरफ से CH3 एक C हो गया, इसमें चक्कर हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो चार गुना तीन दैट इज 12 हो C5H12, इस कार्बन चार बॉन्ड टूट गए बीच में, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोनियोपेंटेन, इसको इसका कॉमन नेम हो गया नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन हो गई, नियोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा तुमको 2,2-dimethyl डाइमेथिल पेंटेन, 2,2-dimethyl पेंटेन। एक्चुअली जो एक चीज तो गलत बोल दी, तो तुम्हारा एक नंबर उदाहरण में तुमको दिया हुआ है C6H14 का है, कितना का है बताया, तो पहले ध्यान देना चाहिए। तो चलो तो ये उदाहरण है तुम्हारा, क्या कहता है ये तुमको उदाहरण एक नहीं है, इसलिए ये तो ऐसे बता दी पेंटेन का, इसको अलग से लिख सकते हो हेडिंग पेंटेन का समावयव था, पेंटेन के समावयव। तो ये हो गया तुम्हारा, और तुम्हारे बुक में हेक्सेन का दिया हुआ है एक नंबर उदाहरण में, तो इसी के आधार पर तुमको एक नंबर उदाहरण में तुमको हेक्सेन का जल्दी से बनाते हैं। हेक्सेन में जाएंगे तुमको पड़ेगा जैसे कि 6 कार्बन रहेगा, इसी आधार पर लिखेंगे लिखते जाएंगे तो बहुत ही नहीं बन सकता है इसका। एक नंबर में पेंटेन का लिखने का जाए हेक्सेन का लिखना है, एनसीईआरटी का एक उदाहरण वो था तुमको, वो उदाहरण एनसीईआरटी बुक में नहीं था, तो अब इसको लिख लो उसी पैटर्न पर है, तो देखो जैसे कि उस अब देखते 6 में कितना बनता है एनसीईआरटी का एक नंबर में, अगर C6H14 होगा तो इसे पहला कार्बन से तुरंत अब लिखते चले जाते हैं CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन हो गया, चार कार्बन हो गया, ये पांच हो गया और ये 6 हो गया, तो 6 कार्बन क्या हो गई हेक्सेन हो गया, HEXANE 6 कार्बन का ये हेक्सेन हो गया, एक हो गया। दूसरा आ जाएगा जैसे CH3 एक नंबर पर ब्रांच करो, पांच कार्बन लगातार देंगे तो यहां पर एक ब्रांच दे दीजिए CH3 CH3 तीन कार्बन हो गया, चौथा ये पांचवा और ये छठा, तो ये दो नंबर पे तुमको ब्रांचिंग, एक ये दो तीन चार पांच, पांच हो गया, तो दो नंबर पे क्या है यहां 2-methyl और ये क्या है पेंटेन, 2-methyl पेंटेन दूसरा हो गया ना। अब पांच कार्बन में, अब अगर यहां पे देखो इसमें पांच कार्बन है, तीन पर भी मेथिल जा सकता है, तो पांच कार्बन में अगर इसको मेथिल को शिफ्ट कर देगा CH3 CH2 यहां पर ले लो मेथिल को, दोनों तरफ से तीन नंबर पर चला गया CH3 CH2 CH3, यहां पर आप जाएगा टू नंबर पे आ गया, एक एक तीन नंबर पे दोनों तरफ से आ गया, एक दो ये क्या हो जाएगा तीन चार पांच, राइट साइड से नंबर लिखे तो वही होगा, तो क्या हो गया इसका नाम 3-methyl pentane, 3-methyl pentane ये हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर हो गया। चौथा में जब लिखेंगे तो अब जब पांच कार्बन में रहेगा तो चार नंबर इधर से जाएगा तो दो नंबर इधर से हो जाएगा, तो वो सेम रिपीट कर जाएगा, तो पांच नंबर नहीं होगा। चार कार्बन में ट्राई कीजिए, चार कार्बन में लीजिए, चार में एक दो तीन चार, तो चार कार्बन कहां कहां देंगे, दो जगह ब्रांच कर देंगे, यहां और यहां ब्रांच कर दीजिए, जैसे कि इसको लिख देते हैं फिर से, चार कार्बन दो जगह ब्रांच करना है, चलिए देखिए, तो जैसे CH3 हो गया, फिर CH यहां भी CH3 लिख दीजिए, और यहां पर फिर CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, तो यहां पर दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं बराबर ही पड़ेगा, एक दो तीन और ये चार, तो दो और तीन पर क्या है डायमेथिल है, तो 2-3 ये क्या हो गया तुम्हारा डायमेथिल, 2-3 डायमेथिल और ये क्या हो गया ब्यूटेन, 2-3 डायमेथिल ब्यूटेन, ये तुम्हारा हो गया किसका नाम हो गया, ये हो गया तुम्हारा इसका नामकरण हो गया तुम्हारा, ये इसका जो है। अब जैसे इसी में और चार कार्बन में दो दो पर भी डायमेथिल हो सकता है, 2-2 पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डायमेथिल हो जाएगा, तो देखो अब जैसे कि एक दो नंबर पे ले लीजिए CH3 यहां पर हो गया, तुमको CH ले लीजिए, CH ऊपर नीचे देना था H का लगेगा तुम्हारा, CH3 ऊपर ले लो इसमें भी नीचे ले लो, तो और फिर CH2 फिर CH3 ये हो गया तुमको 2-2 डायमेथिल और तब है तुम्हारा ब्यूटेन। ये चार कार्बन, अब तीन कार्बन से बनाने की कोशिश करो तो देखो तीन कार्बन में नहीं बन पाएगा, तीन कार्बन का अब नहीं बनेगा, अब मतलब कि पांच तुम्हारा हो गया, पांच अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा, इसे देखो तीन, अगर तुम ट्राई करो देखो क्या दिक्कत आएगा, तुम बताओ कुछ चर्चा कर लेते हैं।
तीन में बनाने का कोशिश करते हैं, यहाँ तीन कार्बन को दिया जाए, इस पर ब्रांच नहीं होता, फर्स्ट और लास्ट पर नहीं होता, तो जाएगा दो नंबर पर हमको कितना ब्रांच देना पड़ेगा, हमको हमारे पास तीन कार्बन उपलब्ध है, तो तीन कार्बन में अब क्या करना होगा, तीन कार्बन यहाँ से एक यहाँ से अगर देंगे तो एक तरफ कम से कम दो कार्बन देना होगा, एक तरफ एक कार्बन, अगर दो कार्बन एक साइड दे दिए तो अब देखो तुम्हारा क्या होगा, मेन चेन ही तुम्हारा बदल जाएगा, यहाँ तीन कार्बन आपने दिया, यहाँ पे दो ब्रांचिंग कम से कम एक तरफ लिखना होगा हमको, अब दो ब्रांचिंग अगर लिखते हैं एक साइड और एक साइड एक ब्रांचिंग, छह कार्बन होगा, तो अब ये देखो एक दो तीन चार, ये जो सीधा चेन ये मेन चेन नहीं रहेगा, ये चार कार्बन का मेन चेन बन जाएगा, इसे कभी भी आप तीन कार्बन की संभव क्या नहीं नहीं, तब अब इसका यौगिक नहीं बनेगा, ये पांच तो स्वाभाविक भी क्या होंगे इसके बनेंगे, पांच आइसोमर इसके बनेंगे C6H14। ये तुम्हारा हो गया एक नंबर एनसीईआरटी का। दूसरा उदाहरण है तुमको C5H11 का, कितना समावयवी बनेगा और उसमें जो है तुमको OH लगा करके अल्कोहल ग्रुप लगा करके उसका क्या क्या नाम होगा, तो देखो जैसे C5H11 जो है तुमको C5H12 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देना, कहां कहां से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो जैसे कि तीन स्ट्रक्चर बना था हम लोग का जो एल्कीन का पेंटेन का C5H12 का तीन स्ट्रक्चर बना था जो बनाए थे सबसे पहले, तो उसमें से हर जगह से हाइड्रोजन हटाते जाएंगे तो कितना तरह का हाइड्रोजन हटेगा, तो उसका उतना ग्रुप बनेगा और उसमें OH जोड़ जोड़ के उसका नाम लिखना है आपको। दूसरा नंबर उदाहरण का बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर दो है ये, इसमें C5H11, तो इसमें क्या करना है C5H12 का जैसे जो स्ट्रक्चर बनता है, तो C5H12 का स्ट्रक्चर याद है तुमको बना था, जैसे अभी लिखे थे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये तो पेंटेन का C5H12 हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, कहां कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, देखो यहां से हाइड्रोजन हटाओगे एक यहां पर से हाइड्रोजन हटा दो या यहां से, एक ही बात पड़ेगा, तो एक ये हो जाएगा सी यहां पर से, और दूसरा हो सकता है यहां पर डैश लीजिए या यहां से हटा करके इस जगह से हटाइए, तो ये दोनों से एक और चार, ये दोनों एक जैसा होगा और एक दूसरा तीसरा बनेगा जो कि तीन नंबर से होगा, तो इस तरह से यहां पर कितने यौगिक बन सकते हैं, इसमें तीन तरह का हाइड्रोजन है जो कि हट सकते हैं, इसमें एक क्या बताए एक कहां से हटने का हटेगा तुम्हारा सबसे फर्स्ट या लास्ट, ये क्या पांच इसको कर सकते हैं, दूसरा जो है एक जैसा पोजिशन दो और चार से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, और एक तीसरा पोजिशन जहां से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं वो कौन सा है तीन नंबर से, इसका मतलब होगा तीन तरह के C5H11 इसमें क्या होंगे प्राप्त होंगे, और उसमें हर किसी में OH लगा के उसका नाम लिखा, जब सबका जहां जहां हटा सकते उसका नाम अलग अलग हो जाएगा, तो इसका जैसे इसका बात करें हम लोग, तो इधर इधर से फंक्शन ग्रुप होता है उधर से नाम लिखते हैं हम लोग, तो जाहिर है इधर से नंबरिंग होगा, एक नंबर क्या जाएगा इस साइड से हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा और ये तुमको दो तीन चार ये लास्ट क्या हो जाएगा, ये पांच नंबर हो जाएगा तुम्हारे कार्बन, दो तीन चार बीच में लिखोगे तो ये तुम्हारा OH है, तो पहले जो नाम होगा यहाँ पर पांच कार्बन का तुम्हारा, जैसे इसमें सब में जो इधर चला जाए इसमें प्रीफिक्स में जाके सफिक्स में जाता है बाद में लिखाता है, मतलब इसका जो OH का O, इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा जो है तुमको पेंटेन PENTAN-1-O, तो ये तुमको पी लास्ट वाला ई हट जाएगा, ये हो गया तुमको पेंटेन वन ओर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो एक कार्बन का हो गया। अब देखो इसमें बोले तीन मोल बनाएगा, तो तीनों का नाम बारी बारी से लिखिए, देखिए जैसे अब दूसरा क्या बनेगा, जैसे बताए थे अभी CH3, या तो यहीं से हटा दीजिए या उधर से हटाइए, एक ही बात है, एक नंबर से इधर से ले लीजिए या दो नंबर से, फिर आप CH2, CH2, CH3, ये क्या हो जाएगा तुमको, इसमें वो चला पेंटेन टू ओर हो गया, यहां से एक नंबर इधर कार्बन का मेन चेन यहां से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, कार्बन का मेन चेन वही रहेगा लेकिन ये दो नंबर इधर से नजदीक पड़े, तीन चार पांच इधर इस साइड से नजदीक पड़ा दो नंबर आए, इधर से करते तो तीन नंबर पे चार नंबर चला जाएगा, तो जाहिर है कि इसका क्या नाम हो जाएगा, तो पेंटेन टू ओर, पेंटेन इसमें ई नहीं लिखाएगा ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर भावे ला रहा है ओ इंग्लिश में लिखने में, यहां पर ध्यान रखेगा पेंटेन टू ओर, तो अब एक और बन सकता है, जबकि पेंटेन टू ओर हो गया और पेंटेन एक थ्री ओर बने, एक पेंटेन थ्री और बना दीजिए CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3, ये क्या होगा तुमको पेंटेन ये क्या होगा तुम्हारा थ्री ओर, ये पेंटेन थ्री ओर बन गया, ये तुमको तीन इधर हो गए जो कि सिंगल बॉन्ड तीन बना,
अब हम लोग आते हैं जो सिंगल बोल देते हैं, पांचों लगातार चेन बनाए और अभी दूसरा क्या था तुमको, जो चार को लगातार देंगे और ये वो सी एस टी बीच में ब्रांच करेंगे उसमें देखते हैं कितने बनते हैं। इसमें मैं तो मिटा दिए, तुमको लिखने में आसानी रहेगा, तुम अपना नोट कर लोगे। अब फिर तीन इसमें बन गया, अब देखते हैं कि जब आइसो पेंटेन से कितना बनता है। ये तो बन गया पेंटेन से बना तीन C5H11 के तीन स्ट्रक्चर, उसमें OH जोड़ दिए तो उसका नामकरण भी कर दिए। अब जैसे लिखते हैं इसका C5H11 है तो आइसो पेंटेन बनाते हैं, जैसे CH3 यहां पर क्या गया तुमको CH, यहां पर ब्रांच दे दीजिए CH3 और यहां पर फिर CH2 और फिर यहां पर CH3। इसमें कितने बनेंगे देखो, इसमें तुमको बनेंगे एक तो इधर से स्टार्ट करेंगे ई वाला और जो तुम्हारा है और ये वाला, ये दोनों अभी सेम नहीं है क्योंकि नंबर आपका CH3 का बदल जाएगा। जब यहां से अगर कोई फंक्शन ग्रुप जुटेगा तो ये मिथिल का नंबरिंग क्या हो जाएगा तुम्हारी, मिथिल जो CH3 आएगा इसका नंबरिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए तुमको अब की बार ये वाला पहला इधर से हटाए पहला या इधर से पहला हटाएंगे तो दोनों का नाम क्या होगा, कि अलग अलग होगा। तो इसका मतलब दोनों जो है अलग अलग होगा, एक तो वो दो को हो गया उसको, फिर तुमको जहां तक कि हटेगा यहां पर से हटेगा तो उसका भी नाम अलग होगा इसका, इसका मतलब टोटल चार बनेंगे तुमको। ये दोनों सेम होगा, इस CH3 से हटाओ या इस CH3 से, दोनों क्या होगा तुमको एक जैसा होगा। इसलिए टोटल क्या बनेगा, बाकी स्ट्रेट चेन में जो चारों कार्बन से हटाएगा चारों का नाम क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, चारों कोई भी एक जैसा नहीं होगा। लेकिन जो ब्रांच वाला है और इधर वाला है, क्योंकि अगर यहां से हटाते हैं तो H और इससे हटाते हैं दोनों का क्या होगा, दोनों में देख के यहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखो नाम लिख देते हैं धीरे धीरे, तो अब नाम इसको लिखते हैं, देखो इसको आइसोपेंटेन में से हाइड्रोजन बीम बारी बारी से हटा करके नाम लिखते, पहला इधर से हटा लो तो यहां से OH डाल दो यहीं पर, यहां पर CH3 तो इसमें से हटाएंगे, जैसे यहां से हटाते तो एक ही वाला, यहां पर ही OH डालो या यहां डालो एक ही दोनों पड़ेगा। फिर तुमको अब CH2 और एक CH3 हो जाएगा CH3, ठीक है CH2 CH3। तो इसमें क्या हो जाएगा नंबरिंग, यहां से इस कार्बन से क्योंकि OH यहां है यही से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 और 2 मेथिल ब्यूटेन 1 और, ये होगा तुम्हारा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 और। अगला है तुमको अब दो नंबर पे OH जोड़ना है, तो यहां पर जैसे दो नंबर से ले लो तो CH3 यहां पर C यहां पर OH डाल देंगे, यहां पर एक CH3 रहेगा इस हाइड्रोजन जो CH वाला हाइड्रोजन था उसको हटा दिए CH2 CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसमें एक यहां पर यहां नंबरिंग यहीं से होगा, इस छोर से नजदीक है इस छोर से दूर पड़ रहा, तो ये हो गया तुम्हारा 2 मेथिल और ब्यूटेन, ये चार कार्बन में चेन आया तो ब्यूटेन BUTANE नहीं होगा 2 और ब्यूटेन 2, ये दूसरा हो गया। अब जहां तक की रहा एक तीसरा बना लेते हैं, यहीं पर तीसरा बना लेते हैं, तीसरा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें हटा देते हैं इधर बना को तो CH3 यहां पर CH ये रहेगा यहां तक यही रहने दो, और यहां पर CH यहां पर OH और यहां पर CH3, अब की बार नंबरिंग इस छोर से हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये तुमको दो को तरह लेकिन मिथाइल का पोजिशन बदल गया, 3 मेथिल हो गया इस बार, उस बार 2 मेथिल था 3 मेथिल ब्यूटेन और 2 और ब्यूटेन 2 और पहले भी बनाया लेकिन उसमें मेथिल का पोजीशन 2 था, अगली बार 3 हो गया, ये भी अलग हो गया। और एक लास्ट वाला से अगर देंगे तो इसमें भी अलग गया CH3 CH CH3 यहां हो गया और CH2 यहां पर CH2 OH, तो अगली बार नंबर जाए फंक्शन ग्रुप इधर से नजदीक है 1 2 3 4, 3 मेथिल हो गई 3 मेथिल ब्यूटेन 1 और। तो देखो 3 मेथिल में पहले जो था तुम्हारा इधर से जब एक नंबर दिया था तो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 बना था और इधर तुम्हारा 3 मेथिल ब्यूटेन 1, ये चार बन गया। तो पहला बना था एक बना था और इसमें क्या कितना बन गया तुम्हारा आइसोब्यूटेन में 4 बन गया, और नियोपेंटेन जो था उसमें सिर्फ एक बनेगा। देखो नियोपेंटेन टेस्ट क्या ऐसा होता है CH3 चारों तरफ से CH3 है,
चारों तरफ से क्या होगा तुम्हारा सी एच थ्री, कोई भी हाइड्रोजन हटाएंगे ये हटाए ये हटाए ये हटाए कहीं से एक ही बनेगा, मतलब सिंपली कहीं से हटा दीजिए एक ही बनेगा आपका, यही आंसर होगा। और जाहिर है कि हम नंबरिंग जब करेंगे यहां से नंबरिंग होगा एक नंबर, एक दो और किधरों चल जाएंगे ये तीन नंबर होगा, तो तीन पड़ेगा दो पर क्या होगा टू टू डायमेथिल होगा, टू कॉमन टू क्या होगा तुम्हारा डायमेथिल, और तीन कार्बन लगातार होगा दैट इज प्रोपेन, और वन और टू टू डायमेथिल प्रोपेन वन और, यही नाम हो जाएगा। तो कहीं से भी तो आइसो न्यू पेंटेन से एक बनेगा, तो टोटल कितना होगा फिर से गिनती कर लो, तीन हुआ था तुमको पहला वाला में, फिर क्या हुआ तुमको इसमें चार हुआ किसमें इसमें तीन चार सात एक आठ हो गए, टोटल कितना हो गया आठ हुआ तुम्हारा। चल ये हो गया तुम्हारा इसका दो नंबर तुम्हारा उदाहरण खत्म हो गया। अब तीसरा है तुमको, तीसरा उदाहरण क्या है नाम लिखना है, किसका नाम लिखना बोलो CH3O3। अच्छा एक मिनट, तीसरा का तीसरा में कुछ नाम लिखना है, कुछ कंपाउंड है उसके उसका जो है तुमको दिया हुआ कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको पहले विस्तार करके उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसका उसका नामकरण करना है। तो तीन नंबर लिखो, पहला नंबर लिखे तीन का एनसीईआरटी का ही चल रहा है उदाहरण तुम्हारा, तीन का पहला जैसे CH3O3 CH3O3 हो गया ठीक, सी फिर सी CH2 सी फिर ब्रैकेट अंदर CH3O3 फिर CH3O3 देखो ये दोनों तो यहाँ पे CH3O3 सी के बाहर ये है दोनों साइड, देखो एक सी दे दो और इसके तीन तरफ CH3 दे दो, इसके तीन तरफ CH3 दे दो। चलो अब क्या है बीच में एक यहां तक हो गया CH3O3 और सी हो गया, अब एक CH2 है ये CH2 दे दो फिर एक सी दो और इसके तीन तरफ क्या दे देते हैं CH3 यही हुआ तुम्हारा, तो फैल गया तुम्हारा। अब यहां से नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग क्या है कि स्टेट चेंज में ही ले लो, सब सब बड़ा ही रहेगा सबसे बड़ा, तो सब इधर से भी जा सकते हैं CH3O3 है तो ये एक नंबर यहां से लो, ये क्या हो गया तुम्हारा दो नंबर, और ये CH2 क्या हो गया तुम्हारा ये तीन नंबर हो गया, और फिर ये क्या हो गया सी चार नंबर, और ये क्या हो गया तुम्हारा ये पांच नंबर ठीक है। इसमें कितना नंबर पे देखो दो पर दो मेथिल दिख रहा है, चार पर दो मेथिल दिख रहा है, तो चार का टोटल तो टेट्रा हो गया, चार चार मेथिल हो गया ना, तो दो नंबर पे दो मेथिल, तो टू कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा फोर और हो गया तुम्हारा टेट्रा मेथिल, चार के लिए क्या आता है टेट्रा, तीन के लिए ट्रा डाई, दो के लिए डाई टेट्रा मेथिल MeThY मेथिल, और क्या होगा तुम्हारा पांच कार्बन होगा ना टोटल, टोटल कार्बन पांच हो जाए पेंटिन, क्या नाम होगा इसका नाम मिला है इसके हिसाब से। तो ये होगा तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि कैसे फैलाए, पहले उसको इसको विस्तार कर लेंगे, पहले देखो यहाँ CH3O3 यहाँ से लिखने यहाँ से टारगेट करोगे CH3 भी लिखा था सी से विस्तार की बस तुम्हारा विस्तार हो जाएगा, ये पहला उदाहरण तुम्हारा हो गया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण तुम्हारा, तो उसके बाद जो है चार कार्बन चार जो है एक ही टाइप का ग्रुप रहेगा उसका नंबर चार लिखना लेकिन उसका जो है टेट्रा आ गया और सेमी ग्रुप है इसे अलग अलग नहीं लिखना उसको, सब जगह का नंबरिंग से टेट्रा एक ही जगह पे टू टू फोर फोर से लिखा है। चलिए दूसरा नंबर इसमें देखते हैं क्या है दूसरा नंबर CH3 का होल टू सी C2H5 होल टू। तो देखो इसमें जहां तक की है इस कार्बन में चार बॉन्ड पे दो CH3 है दो C2H5 है, देखो तो ये कार्बन का बीच का इधर की तरफ दो को CH3 देना था, दो CH3 दे दीजिए एक CH3 इधर दे दीजिए एक CH3 इधर दे दीजिए आप, चलिए अब दो को C2H5 देना है, तो C2H5 को जैसे लिखना है तुमको तो C2H5 लिखो या CH2CH3 भी लिखो उसको, तो समझने में शायद आसानी हो CH2CH3 इसका क्या लिखते हैं CH2CH3 तो C2H5 हो गया, तो पूरा फैल गया देखो। अब न सबसे बड़ा चेंज यहाँ कहाँ से लेगा इधर से लो और इस साइड इस छोर से नंबरिंग करेगी कार्बन दूर पड़ जाएगा ब्रांच, तो जाहिर है नंबरिंग कहाँ से करना होगा इस छोर से करना होगा एक ये दो या तो ऊपर भी जा सकते हैं आप इधर दो तीन चार इधर भी कर सकते हैं या तीन चार इधर कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं एक ही बात करेगा आपको ऊपर कीजिए या इधर कीजिए। तो क्या हो गया इस पर नाम आप देखें दो नंबर पर क्या है तुम्हारा दो नंबर पर H3 भी है दो नंबर पर मेथिल है, तो अल्फाबेट का इंग्लिश अल्फाबेट में कौन पहले आया ई आता है पहले
ना कि मेथी का एम आता है। तो इसको लिखने में जब होगा पोजिशन दोनों का सेम है, इसको टू एथी पहले लिखाएगा। विकाउट क्या कारण बताया कि इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेट में, तब किसका आता है मिथाइल का एम। टू मेथिन और टू टू एथिन टू मेथिन, और कितना नंबर पे तुम्हारा आ गया, कितना कार्बन है हमारे पास, टोटल कार्बन का संख्या आया एक दो तीन चार कार्बन है। ब्यूटेन हो, चार कार्बन क्या होता है तुम्हारा, ब्यूटेन हो गया, ये ना चार कार्बन का ब्यूटेन। ठीक है सर, नहीं क्या है सर, थ्री कार्बन थ्री डाइमिथाइल पेंटेन। ओ गलत हो गया, नाम लिखने में गलती हो गई। चलिए हाँ देखो गलती क्या कर दिए, ये जो नंबरिंग किया गया ना इसमें ये मेन चेन बड़ा चेन नहीं हुआ, ये गलत हो गया। आपको देखिए इसमें चार एक कार्बन पड़ा तो होना चाहिए था इसका, देखो ये से यहां से स्टार्ट करते एक दो तीन चार पांच, इधर से पांच कार्बन मिलेगा हमको, तो नंबरिंग क्या हो गया हमारा, मैंने इधर से नेमिंग के जो मेन चेन जो लंबी श्रृंखला कार्बन की होनी चाहिए, लंबी श्रृंखला नहीं हुई सबसे, ये चार ही कार्बन हुआ। और अगर हम यहां से लेते एक नंबर चाहे यहां से लेते एक नंबर तो हमको पांच कार्बन मिलेगा, इसीलिए क्या हो गया ये गलत हो गया। समझ में आ गया सर, इसको क्या कहते काट दीजिए, तो फिर से इसको क्या कहते फिर से इसको नंबरिंग के लिए अलग से नंबरिंग करने में गलती है, मेन चेन की नंबरिंग गलती है, एक दो और ये क्या हो तुम्हारा ये तीन, और यहां आ गया इधर आए चार और इधर क्या हो गया पांच, तब पांच कार्बन हो गया। तो उस पांच कार्बन हुआ तो इधर से क्या हो तुम्हारा तीन पर क्या हो तुम्हारा तीन पर दो को मेथिन है, तो क्या नाम होगा इसका थ्री थ्री डाइमेथिन और पेंटेन। तो हाँ इस तरह का ध्यान रखना होता है, ये तुमको जैसे कभी गलती कर देते तो किस तरह का गलती होगा, पहले लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, तो लंबी श्रृंखला मतलब चार नहीं होगा क्या होगा लंबी श्रृंखला, तो पांच का होगा और इसलिए वो क्या होगा तुम्हारा गलत हो गया। चलिए ये हो गया तीसरा, तो तीसरा क्या है बोलो, टेट्रा ब्यूटी मीथेन। देखो तृतीय ब्यूटिल ऐसे होता है, तृतीय ब्यूटिल होता है सी एच थ्री हो थ्री होता है, ब्यूटेन जैसे होता है ब्यूटेन में जो आइसो ब्यूटेन है उसमें से एक हाइड्रोजन यहां से हटा देते हैं, इसको कहते हैं तृतीय ब्यूटिल कहते हैं। ये तुम्हारा है, ये तृतीय ब्यूटिल का स्ट्रक्चर है, तृतीय ब्यूटिल इसको बोला जाता है। तो तृतीय ब्यूटिल टर्ट ब्यूटिल का ये है, और टेट्रा में चार जो है ऐसा क्या लेना है चार बार, मीथेन मतलब एक कार्बन, एक कार्बन और चारों तरफ से यही ग्रुप दे दीजिए सी और सी एच थ्री पर होल थ्री, ये एक तरफ का हुआ, फिर ये इधर से क्या करेंगे इधर सी ना, फिर तीन तरफ से इसमें क्या चाहिए सी एच थ्री, ये दो हो गया दूसरा, अब तीसरा साइड से भी इधर दीजिए तीन तरफ से सी एच थ्री मतलब सी सी एच थ्री होल थ्री, फिर इधर सी सी एच थ्री का इधर भी क्या होगा तीन तरफ से इसमें भी क्या होगा सी एस थ्री। तो इसमें यहां से नंबरिंग करते चल जाओ एक ये दो नंबर हो गया, और फिर किसका कार्बन आ रहा है ये दो ही इधर से पड़ेगा, दो के बाद क्या पड़ जाएगा यहाँ तीन कार्बन ये होगा तीसरा, और किधरों पड़ जाइएगा तो इधर चाहे इधर जाइए इधर जाइए तीनों साइड किधर हो जा सकते तीनों साइड में किधर हो जाएगा बाद क्या होगा तुम्हारा बराबर पड़ेगा तीन ऊपर चल जाइए इधर क्या होगा चार और ये क्या पड़ेगा तुम्हारा पांच कोई भी कार्बन नहीं से। तो आपके पास कितना मैक्सिमम कार्बन आएगा पांच कार्बन आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो पांच कार्बन किधर से भी कहीं जा सकता है आपके पास तीन तरफ विकल्प है लेकिन कहीं भी क्या होगा सेम होगा, तो पांच कार्बन का मेन चेन बनेगा। तो अब देखो जैसे कि इसको नंबरिंग लेंगे तो यहां पर जैसे कि सी एस थ्री जो एक नंबर लिए तो दो नंबर पर क्या दिख रहा है दो को क्या दिख रहा है यहां पर दो नंबर कार्बन पर मेथिन दिख रहा है दो नंबर कार्बन पर क्या मेथिन दिख रहा है हमको दो, उसके बाद तीन नंबर कार्बन पे हमको दिख रहा है यहाँ पे दो ब्रांच दिख रहा है तुमको टर्ट ब्यूटिल है दो जगह टर्ट ब्यूटिल हो गया दो को, और फिर यहां पर दिख रहा है चार नंबर कार्बन पे क्या दिख रहा है दो मेथिल दिख रहा है चार नंबर कार्बन पे क्या दिख रहा है दो मेथिल है तो मेथिल हो गया क्या जगह चार जगह हो गया तुम्हारा, और टर्ट ब्यूटिल हो गया दो जगह टर्ट ब्यूटिल हो गया आपको दो जगह, तो टर्ट ब्यूटिल लिखते हैं इसको टर्ट ब्यूटिल लिखेंगे टर्सिल ब्यूटिल या कॉमन नेम में यदि ये लिखने का जैसे तो क्या नंबर पे है तुम्हारा ये तीन नंबर पे है और ब्यूटिल को पहले लिखेंगे ब्यूटिल का बी क्योंकि पहले आता है तो थ्री थ्री दो है तुमको थ्री थ्री डाई दो जगह रह जाए क्या लिखते हैं लोग डाई अब लिखते हैं टर्ट ब्यूटिल टर्ट डाई टर्ट ब्यूटिल टर्सरी टर्ट ब्यूटी बी यू टी वाई एस ब्यूटी एस दे दीजिए और कितना कार्बन है
बीटिल के बाद फिर लिखेंगे तुमको डैश दीजिए, फिर दो कॉमा दो कॉमा चार कॉमा चार, टेट्रा टेट्रा क्या होगा तुम्हारा मेथिल, और पांच कार्बन का क्या होगा पेंटेन, क्या था? क्या नाम है ये तुम्हारा नाम है, या दूसरा तरीका एक और हो सकता है, जैसे टर्शियरी ब्यूटिल नहीं लिख के आप चेन में ब्रांच में ब्रांच कर सकते हैं इसको नंबरिंग में, जैसे टर्शियरी ब्यूटिल का नंबरिंग करेंगे तो इसमें टर्शियरी ब्यूटिल में इसमें जब नंबरिंग करने जाएंगे, जैसे ये जो कार्बन है तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटिल में जब नंबरिंग करो तो इसको एक नंबर दे दो, किसी को दो नंबर दे दो इसमें, तो एक दो लेंगे जब तो ये तुमको, तो ये तुमको दो पर एक पर क्या आ जाएगा तुम्हारा डाइमेथिल, वन वन डाइमेथिल एथिल, इसको क्या लिखेंगे वन वन डाइमेथिल एथिल ऐसा लिख सकते हैं, तो अभी एथिल का ई पहले ही आएगा मिथाइल से, तो इसको जैसे कि बदल करके एक जैसे लिखने का दूसरा तरीका से होता है, ये और तरीका होता है ब्रांच टू ब्रांच लिखने का, तो ये 3.3 तो रहेगा ही, यहाँ डैश 3.3 डैश डाई भी रहेगा, उसके बाद लिखेंगे इसमें 2.2 डाइमेथिल 2.2 और उसके बाद डाइमेथिल और ई दो कार्बन लगाता होता है एथिल, ये इसके बदला लिखिए ये टर्ट ब्यूटाइल हो रहा, बाकी में जो तुम्हारा था वो ही रहेगा 2.2.4.4 टेट्रा मेथिल और ये पांच कार्बन का पेंटिंग, ये देखो इसके बदला टर्ट ब्यूटाइल होता है, ये भी आप लिख सकते हैं ब्रांच और ब्रांच करके नेम कर सकते हैं, मतलब ये जैसे 1, 2 कार्बन हो गया, अब ब्रांच ब्रांच वाले ब्रांच को फिर से नंबर दीजिए और उसमें दो नंबर कार्बन क्या है मेथिल लिखा हुआ, इसलिए दो नंबर पर मेथिल लिखा गया और फिर दो कार्बन एथिल भी शुरू किया, इस ढंग से भी क्या कर सकते हैं सुनम भी, इस ये नाम भी लिखा जाता है इसको, ये तुम्हारा हो गया नाम हो गया, तीसरा नंबर खत्म हो गया, अब है चौथा नंबर, क्या है चौथा नंबर में स्ट्रक्चर बनाना है, नाम लिखे हुए हैं उसको स्ट्रक्चर क्या करना है बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्या नाम पढ़ो 3.4.4.5 टेट्रामेथिल हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब सात कार्बन दे दीजिए और तीन चार चार है ना, तीन और चार चार, देखो या तो तुमको वैसे स्टार्टिंग करो तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसमें सात कार्बन है तो आप दे दीजिए, यानी तो जैसे तुमको सात कार्बन दे दीजिए तीन चार ये हो गया पांच छह और ये हो गया सात, तो आप देखो क्या चीज नंबर आया, ये एक नंबर हुआ कितना तीन नंबर पे ब्रांच देना है तो इस कार्बन पे एक ब्रांच देते हैं यहां दे दिए और फिर चार पर क्या देना है तुमको, चार पर देना है दो होते एक ऊपर एक नीचे यही ना, ठीक है ये तीन नंबर पिछला ब्रांच है, ये तीन नंबर ना है ये चार हो गया, एक मिनट गिनती में हाँ हाँ एक दो तीन, तो इस पर एक देना है ना इस पर दो को देना है, इस पर दो इसको मिटा देना है, इसको मिटा दे चलिए हाँ ठीक है, और ये क्या है दो ब्रांच इधर एक इधर एक इधर, तो क्या भाड़ी है दो बजा चार सबका बोन पूरा पुरा दीजिए आपका आसान काम है, ये यहाँ पर ये जो सी इधर क्या है तुम्हारा इधर सी एस थ्री है तुम्हारा इधर इधर की तरफ क्या होगा तीन बोन टूट जाएगा एक क्या लगेगा यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और इसमें लग भी नहीं लगेगा, इसमें चार बोन क्या हो चुका है चार बोन टूट चुका है इसका, यहाँ सी एस थ्री दोनों तरफ दे दीजिए हो गया तुम्हारा हो गया चार बोन, फिर अगला पांच भी है पांच भी है मिथिल है ओ अच्छा टेट्रा अच्छा तो स्ट्रक्चर में फिर से उसमें अच्छा पांच भी डालना ही पड़ेगा मिथिल तो ठीक है तो मैं पांच भी है मिथिल डाल दीजिए आपका क्या हो जाएगा सी एच हो जाएगा है ना, तो क्या होगा टोटल स्ट्रक्चर का लिखे आप देखो सी एच थ्री हो गया फिर दो नंबर में कुछ नहीं था ब्रांच सी एच टू हो गया तीन नंबर में क्या है एक और ब्रांच है यहाँ सी एच हो गया यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा सी एच थ्री चार नंबर पे एक को मतलब ये तुमका मेथिल हो गया दो को मेथिल हो गया यही हो गया तुम्हारा चार नंबर का हो गया पांच नंबर में भी ये हो क्या तुम्हारा एक मेथिल है और छह में कोई भी नहीं है सात में यही हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर चलिए तो कैसे समझ में आ गया कैसे कराना है दूसरा 2.5
डाइमिथिल हेक्सेन हेक्सेन तो 6 कार्बन लेगा तो आसान है बिल्कुल। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 और कितना पे लेना है 2 5 2 और 5 पे ये दो दूसरा ये नहीं कार्बन क्या दो पे करना मिथिल और तीसरा पे नहीं लेना है चौथा पे लेना और किस पे लेना है पांचवा यहां पर मिथिल लेना है ना मिथिल या एथिल मिथिल ठीक हो गया। बाकी लिखो फिर से भर के मतलब क्या लिखा जाएगा देखो CH3 फिर यहां पे क्या आ जाएगा CH हो जाएगा दो नंबर हो गए वो फिर तीन पे कुछ नहीं होना है CH2 चार पर भी कुछ नहीं होना है पांच पे होना है और एक नाम CH3 हो गया दूसरा हो गया तुम्हारा खत्म और इसमें उदाहरण के वो इसमें खत्म हो गया। अगला पांचवा पांचवा है तो पांचवा में है कुछ नाम लिखे हुए हैं बताना है कि नाम जो लिखा गया वो गलत क्यों है ऐसे तो स्ट्रक्चर बनाना है उसके आधार पर नाम को गलत करना है। तो जैसे तुम्हारा किताब में क्या नाम लिखा हुआ है बोलो पांचवा क्वेश्चन दो एथिल पेंटेन पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे पेंटेन है तो पांच कार्बन होगा CH3 और दो नंबर पर एथिल है तो CH और एथिल का मतलब CH2CH3 CH5 भी कहते हैं इसको और पेंटेन में दो तीन हो गया ये चार हो गया और ये पांच हो गया तो पहले बस टू एथिल पेंटेन ये बन गया लेकिन ये नाम गलत क्यों है लेकिन इसमें नाम गलत क्यों हो गया टू एथिल पेंटेन तो गलत क्या है इसमें गलत ये है कि पांच कार्बन तो लगातार ये इसमें पांच कार्बन मिला लेकिन अगर इस साइड चला जाता है तो छह कार्बन इसमें मिलता तो जाहिर है कि नंबरिंग में ये क्या करेगा जो मेन चेन लेने में यहां पर गलती कर रहा है जैसे देखो यहां पर इसको अगर यहां से स्टार्ट करते हैं कितना कार्बन मिल रहा है पांच कार्बन लेकिन अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो इसको छह कार्बन मिलेगा तो जाहिर है कि पांच कार्बन में लिखना इसलिए इसकी ये नाम गलत था बिकॉज इसको क्या लेना चाहिए यहां से मेन चेन जो सिलेक्ट करना था इसको एक दो इसको क्या हुआ तुम्हारा ये तीन हो गया और फिर क्या हुआ तुम्हारा चार पांच इसमें क्या कार्बन मिल गया छह मिल गया तो इसका नाम जो तुम्हारा जो सही नाम होता है तीन नंबर वन टू थ्री पर क्या होगा मेथिल इसका सही नाम होगा थ्री मेथिल और कुंजी हेक्सेन समझा क्या गलती था इसमें इसमें क्या गलती क्या था ये इसमें गलती ये क्या कि मेन चेन जो इसका जो मेन जो सिलेक्शन करना था उसमें पांच ही कार्बन ले लिया जबकि इसमें कितना कार्बन लेना संभव था छह मिल सकता है इसे सीधा टेढ़ा से मतलब नहीं होता नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आपको ये ज्यादा इसलिए जो जो ग्रुप में नाम लिखा होता है वो क्या होता है रॉन्ग था। अगला हो गया पांच एथिल तीन मिथिल हेप्टेन तो पांच पे एथिल लेना है तो देखो हेप्टेन है इसको जैसे एक ऐसे ही बनाते हैं तीन और फिर चार फिर पांच छह सात सात हो गया सात क्या देना है तीन पर तीन पर एथिल एथिल पांच पर एथिल तीन पर मिथिल मिथिल तीन पर मिथिल हो गया सी एच थ्री चार ये पांच पर क्या देना है पर एथिल सी टू एच फाइव और छह सात देखो इसमें जहां तक है ना नंबरिंग जब करोगे दोनों साइड से दोनों बराबर पड़ रहा जहां तक इधर से भी जैसे इधर से नंबरिंग करें तीन पर ये मिथिल पड़ रहा है इधर से नंबरिंग करें अगर इस साइड से नंबरिंग करें तीन पर एथिल पड़ेगा तो पहले जो प्राथमिकता दे देता है इथाइल का ई को दिया जाएगा पहले किसको प्राथमिकता मिलना चाहिए था तुम्हें क्या क्या है किताब में क्या लिखा हुआ है ना पांच एथिल लिखा है तो नंबरिंग करने में गलती किया गया है नंबरिंग इसको जो है उस छोर से करना जिधर के जो एथिल जो तुम्हारा ग्रुप था उधर से नंबरिंग क्या होना चाहिए था इसको होना चाहिए मतलब इसको क्या लिखना चाहिए था नाम इसमें लिखने में क्या गलती करेगा इसमें नंबरिंग किस साइड से इसको करना चाहिए था जिधर से एथिल ग्रुप था वहां से करना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन था जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच इधर के तरफ तीन पे एथिल मिथिल ना सी एच थ्री तीन हो गया चौथा ऐसे ही है पांचवा में था सी टू एच फाइव और छठा और सातवा इसका नंबरिंग इस छोर से एक दो तीन इस छोर से होना चाहिए चार पांच छह सात इसका मतलब इसको प्राथमिकता देना चाहिए नंबरिंग में किसको एथिल को ना कि मिथिल इसके आधार पर क्या नाम होता सही तो थ्री पे एथिल होता थ्री पे एथिल और पांच पे क्या जाता है मेथिल हेप्टेन ये नाम होता तुम्हारा तो इसलिए ये क्या होता है सही नाम होगा। तो ये तुम्हारा पांच उदाहरण खत्म हो गया अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे तुमको इसके जो है भौतिक गुण और इसका बीजन स्टार्ट करेंगे जो मतलब एल्केन के बनाने की विधि है कुछ प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग यौगिक से कैसे एल्केन को प्राप्त किया जाता है उसके भौतिक गुण इन सबों की चर्चा करेंगे फिर रासायनिक गुण इन सबों की चर्चा आगे आने वाले वीडियो में होगी तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।